A very warm welcome to MSE classes, which means make study easy, and that's what I'm here for. I am Apoorva Singh, your chemistry mentor, and today you and I are going to travel along the circumference of our class 10's chemistry syllabus. So heading towards it, our first chapter is Chemical Equations and Reactions. इसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, कि जो नए सब्सटेंसेस होते हैं हमारे वो कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग. सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो कवर हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं. थर्ड टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने प्रॉपर्टीज की ही वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक में. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ टॉपिक, वो है डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शंस, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं वो हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे. अच्छा, हेडिंग टुवर्ड्स आवर वेरी सेकेंड टॉपिक, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट. जैसा कि हमारा नाम बोल रहा है चैप्टर का, फाइन. पहला टॉपिक इसमें होगा एसिड्स बेसिस होते क्या हैं, सॉल्ट्स हमारे होते क्या हैं. अच्छा, सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. थर्ड टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, जो हम अपने डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसका पीएच स्केल क्या होता है वो हम लोग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में जानेंगे. और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, वो हम लोग एसिड्स एंड बेसिस में पढ़ने वाले हैं. अच्छा, हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फाइन. जैसा कि द नेम सेज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो सबसे पहले आने वाली हमारी प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे हम लोग. रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, हर मेटल और नॉन मेटल की अपनी अपनी एक रिएक्टिव पावर होती है, फाइन. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेटल कौन से मेटल से कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हम लोग अपनी एक सीरीज के हिसाब से पढ़ने वाले हैं. अच्छा, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, फाइन. आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड और उनके कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं वो हम लोग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, फाइन. बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेसेस, ये जो मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या, ये आते कहाँ से हैं, ये जो मेटल्स हैं ये कहाँ से आते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में. अच्छा, कैसे आते हैं, इनका प्रोसेस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, और जो रिफाइनिंग होती है इनका प्योरिफिकेशन क्या होता है, सारे जो ओवरऑल प्रोसेस है वो इस ये चैप्टर कवर करने वाला है. अच्छा, heading towards our fourth chapter, which is carbon and its compound. Carbon and its compounds. इसमें हम लोग को पता चलेगा कार्बन जो होता है उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, वो कैसे बॉन्ड करके कार्बन बनाता है, उसकी बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट. तो कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड की बॉन्डिंग कोवेलेंट कैसे होती है वो हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड में कवर करेंगे. अच्छा, सेकंड टॉपिक हमारा होमोलॉगस सीरीज, जो कार्बन होते हैं उनकी जो केमिकल फॉर्मेशन होती है वो एकदम सेम होती है, बट वो डिफर किससे करते हैं, अपने कार्बन ग्रुप से. तो होमोलॉगस सीरीज ये हम लोग को बताएगी कि कार्बन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, फाइन. कार्बन कंपाउंड्स का जो हमारा डेली लाइफ का नेम होता है वो हम लोग रखते हैं, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर नेम, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जो केमिकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो नॉमेनक्लेचर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिसाइड करेंगे, फाइन. डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स, और कौन कौन से होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फाइन. तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे. हमारा फिफ्थ चैप्टर होता है एलिमेंट्स
and its periodic classification. Elements को classify करा गया है, किसमें करा गया है? हमारी periodic table में. आपने सुना होगा periodic table का नाम. Fine. तो need for classification, ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो हम लोग को elements को classify करना पड़ा? तो वो चीज़ें हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं. हमारे पूरे सिलेबस में टोटल यही 5 चैप्टर्स हैं. सेकेंड टॉपिक इसका जो होगा वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग से बनाई गई, क्लासीफाई करे गए एलिमेंट्स, उसमें इवोल्यूशन आया, चेंज आया, और वो धीरे 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 करते करते मॉडर्न हुई. और आज जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स और पीरियड्स वो सारे इसमें होंगे. थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडिएशन इन एलिमेंट्स. ग्रेडिएशन जो होती, ग्रेडिएशन प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलिमेंट्स की, वो हम लोग इस वाले में पढ़ेंगे क्या क्या वो डिफर करते हैं एक दूसरे से. तो ये हमारे पूरे क्लास 10th के 5 चैप्टर्स थे और ये इधर पे ख़त्म होते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन ऑब्वियसली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियो प्रेस दैट बेल बटन. थैंक यू वेरी मच.